सरहंद रेलवे स्टेशन तो एक वड्डी खबर सामने आई है। स्टेशन दे नेड़े रेल दे विच ब्लास्ट होया। अमृतसर तो हावड़ा जा रही रेल दे विच धमाका होया। छठ पूजा दे लई यूपी बिहार जा रहे सी यात्री, उत्ते ही ट्रेन दे डब्बे दे विच पटाखे रखे गए सी। उन्हां पटाखियां नूं अग लगण दे उत्ते ब्लास्ट होया। सरहंद फतेहगढ़ साहिब रेल दे विच जबरदस्त धमाका देखण नूं मिलिया। जोरदार धमाका होया, धुआं धुआं हुई, पूरी रेल पटाखियां नूं अग लग गई। उस दे नाल इह धमाका होया, चार लोग जख्मी होए ने। इस पूरी घटना दे विच फिलहाल इस संबंधी तफतीश की जा रही है कि आखिरकार ये पटाखे उत्थे पहुँचने के लिए जिम्मेवार कौन सी, किस तरीके दे नाल रेल दे अंदर पटाखे पहुँचे, क्योंकि कोई भी जलनशील पदार्थ रेल दे अंदर ले आउण की इजाजत नहीं होंदी है। सरहंद रेलवे स्टेशन के नज़दीक शनिवार देर रात की घटना, 10:30 बजे के करीब अमृतसर तो हावड़ा जा रही ट्रेन के डब्बे दे विच ब्लास्ट होण दे नाल चार यात्री जख्मी हो गए, जिन्हां दे विचों 3 मर्द ते 1 औरत शामिल है। जख्मियों को इलाज के लिए सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहिब विखे दाखिल कराया गया। जख्मी यात्री यूपी बिहार के नाल संबंधित दसे जा रहे हैं। यह ब्लास्ट ट्रेन के डब्बे पई बाल्टी दे विच रखे हुए पटाखियों नूं किसी कारण अग लगण दे कारण होया। ट्रेन च सवारी कर रहे जो यात्री सी उन्होंने दस्या कि अपने भरा दे नाल अमृतसर तो आ रहे थे। अचानक डब्बे जोर दे नाल एक धमाका होया, आवाज़ आई, सारे डब्बे दे विच धुआं फैल गया। इस ब्लास्ट दे विच 4 व्यक्ति ने उस जख्मी हो गए, औरतां भी उस दे विच शामिल ने। अमृतसर से आ रहा था, फिर अचानक से ही ट्रेन के अंदर वो मतलब सामान कुछ था, पता नहीं तार सॉकेट हुआ या क्या हुआ, वहीं से पटाखा खूब तेज से हुआ, फिर पूरी गाड़ी के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। फिर मेरे भाई को भी ज़्यादा चोट लग गई, फिर मैंने वहाँ से किसी से मदद ली, मांगे कि मेरे को कोई अस्पताल या कुछ बता दो, फिर वहाँ से ला के एडमिट किया। चलती गाड़ी में हादसा हुआ, ये नहीं पता चला कि तार सॉकेट की वजह से हुआ या किसी की बाल्टी की वजह से हुआ, मगर हुआ बहुत तेज से, धमाका ही हुआ। जनरल डब्बे में ही बैठे हुए थे। अज तकरीबन 10:20 से हावड़ा मेल जी एक्सप्रैस जी अमृतसर तो जा रही थी, उस 10:20 तकरीबन ब्लास्ट इंजरी हुई है, जिद कोई 4 पेशेंट उतों इतने सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहब एमरजेंसी विखे लिया गए हैं। चारा मुरली सहायता दे के जो देखा गया, तो चारों पेशेंट जोड़े ने आउट ऑफ डेंजर ने, स्टेबल है, उन्होंने कंडीशन स्टेबल। अज ट्रेन नंबर 13006 हावड़ा मेल सी, ये अपनी अमृतसर तो जाती है हावड़े को, तो ये पिछले जनरल कोच के 3 अपने एक बाल्टी थी, बाल्टी में पटाके पे से, उन्होंने कितने अचानक कितने बीड़ी सिगरेट अग लग गई, तो उसे 3 बंदे अपने 3 बंदे तो 1 लेडी जख्मी हुए हैं। सिविल हॉस्पिटल अपना इतने फतेहगढ़ साहब दाखिल कराते हैं। जख्मियों के नाम ने अजय कुमार है, एक संगीता कुमारी है, उसकी वाइफ है आशुतोष पाल है, ये सारे 32 साल की उम्र के ने। एक सोनू कुमारी, सोनू कुमार हाँ ठीक ने, आउट ऑफ डेंजर ने, बाल्टी कोई पटाखे वगैरह पे से, बाकी तफ्तीश कर रहे, पर अभी देखते हैं की है जाके। देव सरहंद तो जुड़ चुके हैं। जगदेव, यह मामला सामने आया कितने कितने चिंता वधाउण वाला कि आखिरकार रेल दे विच कोई पटाखे किवें ले आ सकता है। जगदेव जी बिल्कुल, इस संबंधी सूचना भी जारी की जा रही है कि किसी ना किसी जो घटनावां वापरदियां इसको सुचेत रहा जाए, ताजी नूं करना। यह सरहंद रेलवे स्टेशन तो सामने आई है, जिथे अमृतसर तो हावड़ा जा रही जो ट्रेन रात तकरीबन 10:30 बजे सरहंद स्टेशन से पहुंची है, उत्थे ही जो ट्रेन की जनरल डब्बे के एक बाल्टी के पटाखे रखे जाते हैं, पटाखे किसी ना किसी तरीके अग लग जाती है, अग लग जाने कारण जो ब्लास्ट हुआ उसके नाल पूरी जो ट्रेन का डब्बा उस भी धुआं हो गया, उस नाल जो ब्लास्ट होया उस नाल 4 बंदे भी ढूस गए हैं, उन्होंने सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहब के इलाज लिए भर्ती कराया गया। तो जो ये यात्रु ने छठ पूजा लिए अपने यूपी बिहार नाल जो संबंधित लोग ने उसे जाने लिए दसे जा रहे हैं, तो इन्हों वालों ही जो पुलिस वालों गल की गई है, जो जानकारी मिली है किसी ना किसी यात्रु के वालों ही यह जो बाल्टी के पटाखे लिजाए जा रहे सन, तो बिल्कुल दसना चाहांगा जी, जो ट्रेन चलती ट्रेन सरहंद नजदीक ही होया, उस टाइम जो ट्रेन चल रही थी चलते समय यह घटना वापरी है, उस तो बाद ही जो ट्रेन रोक के
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ GRP ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਾਤਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਓਕਰੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਸ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ 10:30 ਤਕਰੀਬਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਦੇਵ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ।